Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. आज ड्रीम वेवर्स के स्टेट हेड पीयूष कुमार दोस्त जी हैं, इनसे जानेंगे कि इस सेंटर का जो दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र के तहत जो चल रहा है, इस सेंटर का आखिर क्या राज है, खूबसूरती का, सौंदर्य का, साफ सफाई का एवं इनके सुदृढ़ स्टाफ का, अच्छे लोगों का, बिना शोर शराबा का ये सेंटर चल रहा है, लगता ही नहीं कि एक इंस्टीट्यूट है। आखिर इन्होंने क्या डिसिप्लिन मेंटेन कर रखा है यहाँ पे, इनका राज्य। मैं स्टेट हेड पीयूष कुमार दोस्त, दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र झारखंड गवर्नमेंट से संचालित है। ये मेगा स्किल सेंटर है जो एक झारखंड का ही नहीं पूरे देश का एक मेगा प्रोजेक्ट है जो स्किल के क्षेत्र में चल रहा है। ये सेंटर एक ऐसा सेंटर है जो जिसमें मिनिमम 10 बैचेस चलते हैं और पर बैच 30 स्टूडेंट होते हैं। हम ये गर्ल्स की ओनली सेंटर चला रहे हैं जिसमें स्विंग मशीन ऑपरेटर की ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग के तहत उन बच्चों को कंप्यूटर की नॉलेज, उनके अंदर सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वे आगे चलकर अच्छे से अपना रोज़गार पा सकें। हमने दो बैचों को अभी रिसेंटली उनका प्लेसमेंट करवाया है। जो प्लेसमेंट है वो चेन्नई में लॉयल टेक्सटाइल में करवाया है, दूसरा अंजार में वेल्सपन में करवाया है। तो उन बच्चों की इनहैंड सैलरी 85,000 स्टार्टिंग सैलरी है और 13,000 समथिंग उनकी CTC है। तो वे बच्चे गांव से उठकर आए हैं और हमारे यहाँ आने का पर्पस यही होता है कि उनको रोज़गार मिल सके। तो हम उन बच्चों को लाते हैं जो ड्रॉप आउट हो गए और उनके फिनांशियल स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो उन बच्चों को यहाँ पे लेके आते हैं, उनकी ट्रेनिंग करवाते हैं, देन उनका रोजगार। इसके अलावा आपके यहाँ पे जो बच्चे हैं उनके साथ और स्टाफ के साथ कैसे कम्युनिकेशन इतने अच्छे हैं, आखिर क्या इन दोनों में सामंजस्य बना के रखें, कैसे? सबसे बड़ी बात है कि हम एक डिसिप्लिन मेंटेन कर रखते हैं ताकि वे बच्चे मात्र 3 महीने की ट्रेनिंग है हमारे यहाँ, 3 महीने में उन बच्चों को ऐसा एनवायरनमेंट देते हैं ताकि वो इंडस्ट्री में काम कर सकें। हम इंडस्ट्री विजिट भी करवाते हैं, हमारे बगल में अरविंद मिल्स है, टाइम टू टाइम हम अरविंद मिल्स में लेके जाते हैं बच्चों को। जो टीचर होते हैं उनका एक क्राइटेरिया है कि वो TOT होनी चाहिए। इसके अलावा आपके यहाँ का 3 ऐसी खासियत आपके इंस्टीट्यूट करके, हम अच्छी फैसिलिटी के साथ रहने खाने की सुविधा देते हैं, अच्छी क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो रोजगार में जा सके। यहाँ पे इस इंस्टीट्यूट में आने के लिए कहाँ से आपको प्रेरणा मिली? मैट्रिक के बाद मैं घर में थी, अचानक शांति भूषण सर गए, मतलब कि ऐसे गांव-गांव कैंडिडेट्स खोज रहे थे उस टाइम, तो फिर वही हम लोग को बतलाए, तो फिर हम लोग यहाँ आए। क्या चीज़ की ट्रेनिंग आप यहाँ ले रही हैं? SMO, फिर ID और फेसबुकिंग इंग्लिश, सबसे ज़्यादा फोकस सिलाई मशीन में ही है, सिलाई का। कितना दक्षता हासिल आपने मतलब ट्रेनिंग को पा करके कर लिया अब तक, कैसा लग रहा है ट्रेनिंग को करने के बाद? ट्रेनिंग करने के बाद हमें ऐसा मतलब खुद में ऐसा फील हो रहा है कि हम जॉब कर सकते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सर। यहाँ के जो शिक्षक हैं आपके, उनका व्यवहार कैसा है छात्रों के प्रति? बहुत अच्छा है सर, सबके प्रति समान तरीके से वो लोग देखते हैं सबको। पढ़ाने में कोई दिक्कत
नो सर, या समझाने में नहीं सर। इसका एक्चुअल में मेन फ़ायदा ये है कि हमको जो आज के डेट में जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर में वर्क करना पड़ता है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन दे सकता है। और जो हमारे घरेलू डोमेस्टिक मशीन है, सिलाई मशीन या टेलरमेड मशीन, उसमें प्रोडक्शन हम निकाल नहीं सकते। और चूँकि हमारा जो यहाँ पर सिलेबस है वो SMO का है, कैरिकुलम के हिसाब से हमको स्विंग मशीन ऑपरेटर बनाना होता है, यहाँ पर तैयार करना होता है। हमारी जो ट्रेनिंग है ये SMO की ट्रेनिंग लेने के लिए आए, इसलिए हम इसको टेलरमेड मशीन या डोमेस्टिक मशीन दे नहीं सकते, और इसको इंडस्ट्रियल मशीन पर ही हमको पूरी की पूरी तैयारी करवानी है।